कि पंजाब में हवा किस ओर बह रही है, निश्चित रूप से इस बात की विश्वास आप सबको हो गया होगा। लगातार पिछले दिनों में जिस तरह से एमिनेंट पर्सनालिटीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्व के साथ में काम करने वाले लोग, जिन पार्टियों के साथ में वर्षों से काम कर रहे थे, उनका दामन छोड़ करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। कल भी हम सब लोगों की उपस्थिति में दो प्रेजेंट एमएलएज ने, आदरणीय फतेह सिंह बाजवा जी ने और आदरणीय लड्डी साहब ने ज्वाइन किया था और उनके साथ में अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना सहर्ष स्वीकार किया था। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सब के बीच में आज पंजाब की राजनीति का एक बहुत पुराना नाम और शिरोमणि अकाली दल के साथ में जिनका बहुत पुराना संबंध है, शिरोमणि अकाली दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बठिंडा और मानसा जिले के रहे, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, दो बार विधायक रहे, ऐसे आदरणीय जगदीप सिंह जी नकई जो मानसा के विधायक थे, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सबके बीच साथ में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उसी के साथ पंजाब की राजनीति का एक युवा चेहरा तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र से आने वाले शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग के ट्रेजरर रहे और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल में विभिन्न पोजीशंस पे जिन्होंने काम किया है, ऐसे युवा साथी श्री रविप्रीत सिंह सिद्धू भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व में चमकौर साहब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री चन्नी साहब का विधानसभा क्षेत्र था, उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, बार काउंसिल के लगातार कई वर्षों तक चेयरमैन रहे, ऐसे आदरणीय शमशेर सिंह जी राय साहब भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। इसी के क्रम में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम, पंजाब में ओबीसी के समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो सैनी समाज का और अपने आप में बहुत प्रभुत्व रखता है, उस समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के बहुत सीनियर लीडर रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वहां ट्रांसपोर्ट यूनियन, जैसा हम जानते हैं पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस ट्रांसपोर्ट यूनियन के 7 साल तक अध्यक्ष रहे, ऐसे आदरणीय श्री हरभाग सिंह जी देसु माजरा साहब भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मित्रों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक विकासवादी राजनीति की लहर चल रही है, पंजाब जैसा प्रदेश जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का स्मरण होता था, आज पंजाब के लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि पंजाब जैसा प्रदेश जो देश की राजनीति में और देश की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला प्रदेश था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते, यदि आर्थिक दृष्टि से मैं देखूं तो वो फिसल करके 16वें पायदान पर आ गया है। बड़ा लंबा समा अज भी इज्जत करता जो भी, हां बदौलत साहब सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जो अज रुतबा मिले है उन्हां करके, उन्हां दी बदौलत साहब सुखबीर सिंह, कोई भी मेरा काम नहीं मोड़ दे। पर अफसोस ना ये गल कहनी पैंदी है कि मेरी सुन तो पहले तो देखते सी भी अकाली दल की है, अकाली दल ते बीजेपी का साथ सी, जनसंघ का निशान दीवे का होंदा, पर असी जिहड़ी साडी लाइन सी उहदे तो जरा पासे हट गए, उस तो पासे हट गए, इसे करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी च जो कुछ मोदी साहब ने देखो किसानां दीआं मंगां मंगियां जिहड़ा कि बहुत वड्डी डिमांड सी, उस तो बाद जो कुछ सिख कौम वास्ते करता वो कोई कर नहीं सकता, जिवें 10-11 पॉइंट ने, पहला तो काली सूची वो खत्म की,
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ FCRA ਸੀ, FCRA ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ GST ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ।